आज मैं बात करने वाला हूँ विन पार के AK6 मॉडल में हम सेट वैल्यू को कैसे चेंज करें और इसको हम ऑटो ड्यूल मोड में कैसे डालें, इस वीडियो में जानेंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके कनेक्शन और टर्मिनल के बारे में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस पे की को समझ लेते हैं। इसमें देखिए ये प्रेजेंट वैल्यू है और ये हमारा सेट वैल्यू है। इसमें देखिए एक सेट की है और डाउन एरो की है, एक अप एरो की है, एक इन्फो की है। तो सबसे पहले हम सेट की को प्रेस करेंगे। जो हमारा देखिए सेट वैल्यू 100 दिखा रहा है, प्रेजेंट वैल्यू 33 दिखा रहा है। तो सेट वैल्यू पे हम एक बार क्लिक करेंगे तो हमारा ये देखिए सेट वैल्यू ब्लिंक करने लगा। तो सबसे पहले मान लीजिए हमको सेट वैल्यू 150 टेम्परेचर चाहिए, तो हम अप एरो की से इसको बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए आपको ज्यादा बढ़ाना है तो आप इन्फो की का प्रयोग करेंगे। तो ये देखिए हमारा ये 0 ब्लिंक कर रहा है, इसको आप की से हम 5 कर देंगे। ये देखिए 5 हो गया। इन्फो की से फिर हम आगे बढ़ेंगे, इसको 0 कर देंगे। तो डाउन एरो की का प्रयोग करेंगे, ये देखिए 0 हो गया, 150 हो गया हमारा। तो इसको फिर हम सेट पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारा 150 सेट हो गया। जो हमारा सेट वैल्यू है ये 150 हो गया। जैसे ही हमारा प्रेजेंट वैल्यू 150 जाएगा वैसे ही हमारा रिले जो है आउटपुट देना बंद कर देगा। इसमें देखिए ये रिले आउटपुट 1 दे रहा है, जो इसमें अलार्म का भी आउटपुट है 1-2 का। अब हम इसको ऑटो ड्यूल मोड में कैसे डालेंगे। ऑटो ड्यूल मोड में डालने के लिए हम डाउन की को लगभग 2-3 सेकंड के लिए प्रेस करेंगे तो हमारा ये ऑटो ड्यूल मोड में पड़ जाएगा। ये देखिए मैं डाउन की को प्रेस किया हूँ, ये देखिए डाउन की को हम प्रेस किया तो ये देखिए हमारा प्रेजेंट वैल्यू बिलिंग करने लगा और ये हमारा ऑटो ड्यूल मोड में पड़ गया। इसमें मैं आपको लाइव सेट करके सेट वैल्यू चेंज करके दिखाया। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके टर्मिनल और कनेक्शन के बारे में बताऊंगा और इसका प्रयोग कहां पर होता है। तो इस वीडियो में इतना ही जाने। वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।